हेलो फ्रेंड्स, बात फिटर में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे बाथरूम के वॉल माउंटेड और फ्लोर माउंटेड दोनों में क्या फ़र्क है, किस तरह हमें ज़्यादातर टाइम हम आधा से ज़्यादा घंटा हम बाथरूम बिताते हैं, तो हमें एक अच्छे बाथरूम के किस तरह की कल्पना कर सकते हैं। ये दोनों सीटें वॉल माउंटेड और फ्लोर माउंटेड में अंतर बताएंगे आपको। इसकी खासियत क्या है वॉल माउंटेड का और फ्लोर माउंटेड का। ये दोस्तों दीवार के ऊपर हैंग होता है और ये नए लुक में और अच्छे बढ़िया वेरिएंट में आ चुके हैं, तो इसमें अपनी चॉइस से बढ़िया से लगवा सकते हैं। इसके बीच में फैंसी जो फ्लोर से इसकी हाइट वगैरह अपने साथ एडजस्टमेंट करा सकते हैं, और इसके पीछे चेयर लगा होता है, इसके सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, जिस पॉइंट पर लगाना वो कंसील टैंक इनसाइड फ्लश वॉल इंडिकेटर और बाउल इसके अंदर ही होता है, और कैरी स्टैंड है ये, और कैरियर स्टैंड पे ही इसका बॉल भी सारा कुछ टैंक सारे स्टैंड पे टिक जाता है। कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह के डिज़ाइन दिखता है, और टाइल वगैरह लगने के बाद दोस्त कुछ इस तरह के डिज़ाइन बन जाता है। डुअल फ्लश होता है, एक होता है हाफ और एक होता है फुल। हाफ होता है यूरिनल करने के लिए और दूसरा होता है फुल वेस्ट को बाहर करने के लिए। तो आप दोनों यूज़ करें, इसमें पानी की भी बहुत बचत होता है। जो फ्लोर माउंटेन WC सीट होता है, इसका स्टैंडर्ड कुछ इस तरह होता है, और इसको लॉन्ग बैंड लगाता है, वेरी कॉमनली यूज़ होता है, ज़्यादातर लोग इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं, और इसका टैंक बाहर की तरफ होता है, इसका बॉल अंदर की साइड होता है और वेस्ट से सीधा फ्लोर। इसमें भी कुछ नए कॉमेडी पीस आ चुके हैं वन पीस में, तो उसको भी आप देख सकते हैं। सॉफ्ट क्लोज सीट कवर वगैरह के साथ आता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ये टू पीस में भी आता है और वन पीस में भी आता है। टू पीस में टैंक अलग होता है दोस्तों, और जो वन पीस होता है टैंक अटैच ही होते हैं, तो नीचे यहाँ पर स्क्रू वगैरह से टाइट होता है। और इसकी हाइट की बात करें तो ये दोनों में खास ज़्यादा अंतर नहीं होता, ये 15 से 19 इंच के होता है ग्राउंड लेवल से हाइट पे, और 15 इंच से कंसील टैंक होता है, जिसमें स्टैंड से लोग इसमें कि एजली पर्सन वगैरह जो हैंडीकैप वगैरह तो ईजिली इस पर बैठ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग भी आप सेट करवा सकते हैं। तो ये आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही अच्छा है। जो लंबे लोग हैं वो अपने हिसाब से, और जो शॉर्ट है छोटे लोग होते हैं वो अपने हिसाब से उस सीट को एडजस्ट करवा सकते हैं। इसकी पॉइंट इस तरह दी होती है, सीट कवर है, और जो फ्लोर माउंटेड होते हैं उसकी हाइट फिक्स होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसको एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि इसकी जो हाइट होती है वो ऑलरेडी फिक्स होता है, क्योंकि ये वन पीस होता है, और ये 14 से 14.5 से लेकर 16 इंच तक की हाइट तक में आता है। तो आप देख सकते हैं इसमें टॉयलेट सीट वगैरह ऊपर से रख सकते हैं, कुछ इस तरह डिज़ाइन के भी अलग अलग आते हैं, उसमें कि 2 से 2.5 इंच तक आप सीट कवर से उसकी हाइट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, परंतु वॉल माउंटेड में दोस्त यह है कि उसको जिस चाहे हाइट चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी स्पेस भी कम घेरता है, और जो फ्लोर माउंटेड होता है वो तो ज़्यादा घेरता है। और ये छोटे से जगह पे लग जाता है, और एरिया वगैरह क्लीन करने में बहुत इजीली होता है, और स्पेस वगैरह काफ़ी कम लगता है, और ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, और इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ईजी है, क्योंकि ये लग्जरियस बाथरूम में गिने जाते हैं। और इसकी हाइट की बात करें तो लेंथ 10 इंची का होता है, और उसके जो टैंक होते हैं 8 से 10 लीटर का होता है, वो अंदर वॉल के अंदर होता है, वो दिखाई नहीं देता है, जिससे आपको बाथरूम खुला ढीला नज़र आएगा। और जो फ्लोर माउंटेड होता है दोस्तों, वो बीच में फ्लोर पे रखा होता है छत के ऊपर, और ये स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा लेता है, और लुक बड़ा थोड़ा देखने में अजीब सा लगता है, आप देख सकते हैं। और साफ़ सफाई के मामले में इसको ईज़िली साफ़ कर सकते हैं, और इसको हाइजीनिक भी है, इसमें बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा नहीं पनपता, और ये नॉट ईजी क्लीन, क्योंकि दोस्तों इसके जो पीछे एरिया है उसमें हमेशा गंदगी जमा रहता है, काई वगैरह लग जाता है फ्लोर पे, और ये दिखता भी है, तो इसको हर कोई पसंद नहीं करता। और ये थोड़ा वॉल माउंटेड के हिसाब से ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए लोग ज़्यादा लेते हैं वन पीस में। और इंस्टॉलेशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन करना है कॉमेडी, एक चेयर के ऊपर भी लग जाता है, दूसरा अगर
फास्टनर वगैरह पर लगवाएंगे तो ब्रैकेट सेट से भी लग जाता है। तो ब्रैकेट सेट से लगना बहुत ईजी होता है लैग बोल्ट से, तो आप देख सकते हैं ईजिली इसको लगवा सकते हैं, क्योंकि ये हैंग हो जाता है दोस्तों, एक बार हैंग हो गया दोबारा कहीं नहीं जाएगा। इसमें खर्चा भी कम पड़ता है और इसको लगाने के लिए कि अच्छे स्किल लेवल की होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इसको अच्छे से लगा सकता है। और इसकी प्रॉपर फिटिंग होने के बाद ही ये प्रॉपर बढ़िया ढंग से काम करता है, नहीं तो ये लीकेज वगैरह के दिक्कतें पैदा कर सकता है। सोडा वगैरह जम जाएगा इसमें पाइपों पर तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेकार और गंदा लगेगा। और दोस्तों नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए बनाया गया, दिखाया गया कि आप लोग जो मार्केट से परचेज करते हैं उसके हिसाब से हमारा ये वॉल माउंटेड है और फ्लोर माउंटेड में कितना फ़र्क है। तो इसके भी इसको इजी ही फिट कर सकते हैं, वन पीस को, टू पीस में भी आता है ये फ्लोर माउंटेड, और इसको लगाना बहुत ही आसान है। और रिपेयर की बात करें तो इसको सिर्फ़ एक एल की से खोल सकते हैं और लगा सकते हैं। इसमें टाइम की भी बचत होता है दोस्तों, और डिफरेंट जगह से ज़्यादा फिक्स नहीं होता है, तो आप देख सकते हैं फ़ोटो में। और ये कुछ इस प्रकार से लगा हुआ होता है, और इसमें टैंक को भी क्लीन करने की टेंशन नहीं रहता, क्योंकि ये दीवार के अंदर होता है और अच्छी कंपनी का ही लगा होता है। इसमें दोस्तों कोई ख़राब अगर इसको पार्ट्स को आप निकाल सकते हैं ईजिली और इसको रिपेयर भी करवा सकते हैं। और वॉल माउंटेन का मेंटेनेंस बहुत ही कम खर्चा पड़ता है, क्योंकि एक बार ये फिक्स हो जाता है रैक बोल्ट के हिसाब से तो दोबारा इस पर बार बार नहीं जाता, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाता है। और फ्लोर माउंटेन में दोस्तों इसके टैंक में सोरा वगैरह जो होता है इसे साफ़ करना पड़ता है, और फ्लश वाल में काई लग जाता है तो भी रिपेयर कराना पड़ता है, और वार्सल फ्लेंज वगैरह भी काफ़ी टाइम बाद इसमें ख़राब हो जाता है तो उसको चेंज करवाना पड़ता है, तो इसमें खर्चा भी बहुत आता है। और आवाज़ की बात करें तो इसको फ्लशिंग करते हैं वॉल माउंटेड को दोस्तों, इसमें बिल्कुल ही आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि ये दीवार के अंदर होने की वजह से इसमें साउंड बिल्कुल भी नहीं आता है, और फ्लशिंग भी बहुत ही क्लियर होता है। और दूसरे जो फ्लोर माउंटेड में दोस्तों इसके जो बाल वगैरह जो लगे थे बाल को, उसमें पानी की बार बार आवाज़ आता है। और प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस कम से भी स्टार्ट होता है मॉडल के हिसाब से हैं, और इंस्टॉलेशन भी कॉस्ट है, तो इसका अगर चेयर वगैरह कंप्लीट करके लेते हैं तो ये 14-15 हज़ार की पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए एक अच्छे ट्रेंड प्लम्बर की ज़रूरत होता है, इसे हर कोई प्लम्बर वगैरह नहीं लगा सकता। और दूसरी चीज़ें ये प्रॉपर अच्छे से कैरी करना पड़ता है तभी जाके ये बढ़िया लगता है, इसलिए इसका कॉस्ट वगैरह पड़ जाता है, क्योंकि इसका जो स्टैंड वगैरह है वो सारी ही कॉस्टली आते हैं। और फ्लोर माउंटेड में दोस्त ये होता है कि सिर्फ उसको एक बार खरीद के लाया और उसको फ्लोर पर रख देना है जहाँ पर वेस्टेज का प्रोविज़न दिया हुआ, इसलिए इसका कॉस्ट कम पड़ता है, इसको लगाना भी ईजली है। ईजली क्या कहें दोस्तों, ये एक बार लग जाता है, इसको बाद में आप हटा भी सकते हैं। और वॉल माउंटेन को खोलने के लिए अच्छे ट्रेंड नंबर जुड़ते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं दोनों में ये डिज़ाइन के आते हैं, आप अपने हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपकी बजट कितना है और मेंटेनेंस वगैरह कैसे करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो दोनों ही अच्छे डिज़ाइन हमारे आजकल क्लासिकल डिज़ाइन है, वन पीस भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन में, तो दोनों ही सीट बढ़िया है। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।